पंडित जी आप क्या कहना चाहते हैं, इनको गाइड कीजिए थोड़ा। हम तिरुपति यात्रा कंपनी उदयपुर से आए हुए हैं, गोगुंदा से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अभी आप लोग ब्रज धाम में पधारे हो, गोकुल धाम में, जहाँ रमण रेती पहला स्थान हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। जहाँ रमण रेती का बालू में भगवान खिलता था, वहाँ रमण रेती का रज में सबको लोट लगाना पड़ता है। लोट लगाने से अपना शरीर का दोष अपराध पाप रमण रेती में लोटने से छूट जाता है। भूल से कर्म से वचन से जो हो जाता है वो रमण रेती में लोटने से छूट जाता है। एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके बोलो सावरिया चार बजा नाथ की। आज के आनंद की, गोकुल धाम की, गौ माता की, ताली बजाओ हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया। थोड़ा जोर से बोलो हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दोनों हाथ ऊंचा करो, एक बार प्रेम की दांत काढ़ो, थोड़ा जोर की काढ़ो। बोलो सावरिया कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखो घर का चर्चा नहीं करना, यहाँ के बाद में जब यात्रा करके लौटोगे तो फिर वही घर गृहस्थी की माया के जाल में फंस जाना है। बेटा बेटी क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज भगवान के धाम में आई हो तो आज भगवान को मन से तीर्थ करना है। बोलो कृष्ण भगवान की। यहाँ से मंदिर का 2 मिनट का रास्ता है, रास्ते में हिरन मोर बतख आएगा चिड़िया घर, तो वो हिरन वगैरह अभी नहीं देखना है। जब लौट के आएंगे गाड़ी पे मंदिर का दर्शन करने के बाद में, तो वो लौट के देखना है, पहले दर्शन उसके बाद में प्रश्न। बोलो सावरिया कोई भजन आता हो तो लारे लारे एक भगवान का भजन बोलता हुआ चलो। ये आप या गोकुल धाम में खड़े हैं, ठीक है ना, आपको गोकुल धाम जाना, चलो भजन बोलो। भजन बोलो।